बता दें कि टीम इंडिया के अगले कप्तान बनेंगे दो खिलाड़ी। गौतम गंभीर की बड़ी भविष्यवाणी टीम इंडिया को लेकर मचाई है सनसनी। भारत के पूर्व धाकर बल्लेबाज गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भविष्य में टीम की कप्तानी करने वाले दो खिलाड़ियों का नाम बताया है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी खतरे में मानी जा रही है। कई दिग्गज कप्तानी में बदलाव की मांग उठा चुके हैं और इन सब के बीच भारत के पूर्व धाकर बल्लेबाज गौतम गंभीर का एक बयान काफी सुर्खियों में है। वही गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के दौरे पर इस खिलाड़ी का नाम बताया है जो भविष्य में टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। गौतम गंभीर का मानना है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ आने के बाद से ही समय में टीम इंडिया के कप्तान हो सकते हैं। वही हार्दिक पांड्या ने तो हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में टीम की कमान संभाली थी, लेकिन पृथ्वी शो को टीम में जगह तक नहीं बना पाए थे वो, और उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच पिछले साल जुलाई में खेला था। वही रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से ही आराम पर है और वो बांग्लादेश दौरे पर खेलते नजर आएंगे। वही गौतम गंभीर ने कप्तानी के बाद पर कहा कि FICCI के कार्यक्रम में कहा पांड्या कप्तान बनने के लायक है और लेकिन वो रोहित के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है कि केवल एक ICC इवेंट में उनकी कप्तानी को आंकना शायद उनके लिए सही नहीं होगा।